हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो एक्स 90 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप जो है इजी टच सेटिंग को अपना यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में। ठीक है, इजी टच सेटिंग जो है काम कैसे करती है आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इसे आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा इजी टच का, इजी टच पे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब इजी टच के इस पेज में आपको ये ऑप्शन मिलेगा इजी टच। इजी टच ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दे रखा है, इस बटन को आपको टैप करना है तो ये बटन आपका ब्लू कलर में इस तरीके से ऑन हो जाएगा, यानी कि आपकी सेटिंग इनेबल हो जाएगी। अब ये सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, यहाँ पर जब ये इजी टच सेटिंग जो है ना ऑन करते हैं तो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर एक ये बटन शो हो जाता है इजी टच का। ये इजी टच का शॉर्टकट बटन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना इसका यूज आप ना किसी भी पेज पे किसी भी एप्लीकेशन में कभी भी आप कर सकते हैं। कैसे यूज करना है, देखिए ये जो इजी टच का जो बटन है ना इसे आपको एक बार टैप करना है तो आपका इस तरीके से पेज ओपन होगा। इसमें आपको ऊपर की साइड में काफी सारे ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से आप कोई भी एक ऑप्शन आप सिलेक्ट करके इसे यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो है ना आप सभी के सभी ऑप्शन यूज कर सकते हैं लेकिन एक बार में एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे की साइड ये ऐप्स भी दे रखे हैं। आप अगर यहाँ पे कोई सा भी ऐप अगर आप सिलेक्ट करेंगे ना तो वो ऐप आपका डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं टॉर्च के ऑप्शन पे सिलेक्ट करूंगा तो मेरे मोबाइल फोन की टॉर्च जो होती है ना फ्लैश लाइट होती है ऑन हो जाती है। ठीक है, तो इसे आप जो है इजी टच सेटिंग को आप इस तरीके से इनेबल करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये इजी टच सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूँ आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का ना सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन का ऑप्शन सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है इजी टच। ठीक है, जो सेटिंग का नेम है यहाँ पर आपको पूरा टाइप कर देना है इस तरीके से, तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लेकर आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है सेटिंग को ढूंढने का।